वेलकम ऑन एम्बिशन नर्सिंग क्लासेस। सो दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं हम प्रॉब्लम इन नर्सिंग रिसर्च के। नर्सिंग रिसर्च के अंदर हमको कौन कौन सी प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं, जब भी हम या आप कोई भी रिसर्च करता है तो उसको कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर हम रिसर्च कर रहे हैं तो उस समय जो पहली प्रॉब्लम है वे क्या है, लैक ऑफ इंटरेस्ट। अगर आदमी का इंटरेस्ट नहीं होगा, अगर मान लो मैं रिसर्चर हूँ और मेरा इंटरेस्ट रिसर्च के प्रति नहीं है तो इस कारण प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है रिसर्च के अंदर। तो लैक ऑफ इंटरेस्ट के कारण हमको प्रॉब्लम मिलेगी देखने को। सेकंड जो पॉइंट है, लैक ऑफ एक्सपर्ट्स। एक्सपर्ट्स क्या होते हैं, कोई जो एक्सपेरिमेंट वाले, जो मतलब कि एक्सपीरियंस बंदे बोलते हैं जिसको, एक्सपीरियंस वाले बंदे, डॉक्टर, नर्सेज, साइंटिस्ट, अगर इनकी भी कमी रही हमारी रिसर्च के अंदर तो इस कारण भी हमको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है रिसर्च के अंदर। थर्ड पॉइंट क्या है, लैक ऑफ स्टैंडर्डाइज टूल। लैक ऑफ स्टैंडर्डाइज टूल का मतलब क्या होता है कि स्पेसिफिक टूल, स्टैंडर्डाइज टूल, कि जिस चीज से हम डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं, जिस तरीके से एक थर्मोमीटर किस काम आता है, फीवर को देखने के लिए थर्मोमीटर काम आता है, तो ये एक स्टैंडर्डाइज टूल है इसका। अगर हम थर्मोमीटर का यूज किस तरीके से करें, ब्लड शुगर लेवल के लिए, बीपी कलेक्ट करने के लिए करें, तो एक स्टैंडर्डाइज टूल नहीं है। तो कोई भी स्टैंडर्डाइज टूल की अगर हमारे इसमें रिसर्च करते समय कमी हो जाए, लैक ऑफ स्टैंडर्डाइज टूल कम रहा, तो इस कारण भी हमको प्रॉब्लम हो सकती है रिसर्च के अंदर। फोर्थ जो पॉइंट है वह मिनिमल पॉसिबिलिटी ऑफ लेबोरेटरी रिसर्च। इसका मतलब क्या होता है मिनिमल पॉसिबिलिटी, के मिनिमल पॉसिबिलिटी ऑफ ए लेबोरेटरी रिसर्च, के लैब की, लेबोरेटरी की जब हम रिसर्च करते हैं तो लेबोरेटरी में बहुत कम बंदे करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि उसकी कमी है, लेबोरेटरी रिसर्च की कमी है। तो इस तरीके से जो भी हम रिसर्च करते हैं बेसिकली वो नेचर में करते हैं, नेचुरल इन्वायरमेंट में करते हैं। अगर हमारी नेचुरल इन्वायरमेंट ना करके अच्छी जो रिसर्च होगी वो एक लैब में होगी, तो इसी तरीके से लैब की कमी की वजह से हम कहाँ पर करते हैं, नेचुरल इन्वायरमेंट में करते हैं, तो इस कारण भी हमको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है कि नेचुरल इन्वायरमेंट में कोई भी रेन वगैरह हो गई, इस तरीके की कंडीशन देखने को मिलती है, बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। मिनिमल पॉसिबिलिटी ऑफ ए लेबोरेटरी रिसर्च, के जो लैब है वो एक मिनिमल पॉसिबिलिटी के ही, मिनिमम ही है, मतलब कि ज़्यादा नहीं है, तो इस कारण भी हमको रिसर्च के अंदर प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। जो फिफ्थ पॉइंट है, डिफिकल्टी इन एक्सटर्नल वेरिएबल्स हैंडलिंग। एक्सटर्नल वेरिएबल्स हैंडलिंग क्या होता है, ये एक्सटर्नल वेरिएबल्स हैंडलिंग ही होता है, डिफिकल्टी इन एक्सटर्नल वेरिएबल्स हैंडलिंग, के जब भी अगर बेसिकली वेरिएबल्स क्या होते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, कि जिस तरीके से स्मोकिंग कैन कॉज लंग्स कैंसर, स्मोकिंग के कारण लंग्स कैंसर होता है, बट एक वेरिएबल्स क्या हो गया लंग्स कैंसर का, स्मोकिंग। दूसरा अदर क्या हो चुका, जिस तरीके से पॉल्यूटेंट के कारण हो सकता है, कोई अदर इन्फेक्शन के कारण भी लंग्स कैंसर होता है, तो बहुत सारे अदर वेरिएबल्स भी है। तो डिफिकल्टी इन एक्सटर्नल वेरिएबल्स हैंडलिंग, जो हमारे एक्सटर्नल वेरिएबल्स है, जिस तरीके से इन्फेक्शन वगैरह या पोल्यूटेंट वगैरह या इन्फेक्शन वगैरह, इनको कंट्रोल करने में हमको दिक्कत आती है। क्यों, क्योंकि जो हमारा मेन फोकस है रिसर्च के अंदर, रिसर्च स्टडी के अंदर, वो एक स्मोकिंग का है, कि स्मोकिंग के कारण लंग्स कैंसर होता है। तो अदर स्मोकिंग के कारण लंग्स कैंसर होता है, जिस तरीके से ये है एग्जाम्पल, कि स्मोकिंग के कारण लंग्स कैंसर होता है, बट लंग्स कैंसर का दूसरा कौन क्या है, उसका इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता है, ये कोई पोल्यूशन के कारण भी हो सकता है, तो ये भी तो एक कोज है ना। जिस तरीके से स्मोकिंग एक कोज है, इसी तरीके से ये भी एक कोज है। हमारा मेन फोकस क्या है, स्मोकिंग पे है हमारा मेन फोकस, कि स्मोकिंग कॉज लंग्स कैंसर। तो ये क्या हुआ, ये एक वेरिएबल्स होगा, ये भी एक अदर वेरिएबल होगी, ये एक्सटर्नल वेरिएबल्स होंगे, तो हमारा फोकस इन पे तो नहीं रहता बट इन पे रहता। तो इस तरीके से जो ये एक्सटर्नल वेरिएबल्स है, ये अफेक्ट डाल देते हैं हमारी स्टडी पे, हमारी रिसर्च पे, तो इस कारण भी हमको दिक्कत देखने को मिलता है, डिफिकल्टी देखने को मिलता है रिसर्च के अंदर। जो हमारा सिक्स पॉइंट होता है वो है एथिकल रेस्ट्रेंट। इसका मतलब क्या होता है कि अगर मैं आपसे, आपके ऊपर रिसर्च करूँ तो उसमें आपकी परमिशन होनी चाहिए, अगर आप मेरे ऊपर करो तो मेरी परमिशन होनी चाहिए। तो कभी कभी एथिकल रेस्ट्रेंट, परमिशन ना मिलने की वजह से भी हमको रिसर्च में दिक्कत आ सकती है, कि पहले तो आपने परमिशन दे दी कि कर लो आप वैसे ही, इसके बाद फिर जब आधी रिसर्च हो जाए उसके बाद कहने लगे जो जिसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं कि मैं तो आपको परमिशन नहीं देता रिसर्च करने की। तो इस तरीके से भी एथिकल रेस्ट्रेंट की वजह से भी कि हमको दिक्कत देखने को मिल सकती है, अगर हमको आप, हमने आपसे परमिशन नहीं ली तो इस कारण भी डिफिकल्टी हो सकती है नर्सिंग रिसर्च के अंदर। जो सेवन पॉइंट है, हैंडलिंग मल्टीपल वेरिएबल्स, के एक प्रॉब्लम ये हो सकती है रिसर्च करते समय
हमने बताया कि हमारा मेन फोकस स्मोकिंग पे है, स्मोकिंग को रोकना है लंग्स के अंदर होने से, ये है अदर वेरिएबल्स। तो जब भी हम क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, स्टडी करते हैं, तो उसमें दूसरी प्रॉब्लम क्या हो सकती है, हम इन पे भी फोकस देते हैं, तो जितना इन पे फोकस देना पड़ता है इतना इन पे पड़ेगा, तो मतलब कि आधा जो हमारा माइंड डाइवर्ट हो जाता है वो इनकी तरफ भी हो जाता है, तो इस कारण भी हमको दिक्कत देखने को मिलती है हैंडलिंग मल्टीपल वेरिएबल्स। हम इन मल्टीपल वेरिएबल्स को हैंडल करते हैं, इस कारण भी हमको रिसर्च में प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। इसके बाद क्या होता है, मेजरिंग क्वालिटेटिव रिसर्च थ्रू क्वांटिटेटिव मेथड। हमने आपको बताया कि थर्मोमीटर से हम क्या करते हैं, फीवर को असिस करते हैं। अगर हम फीवर को असिस एक बीपी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा करें तो वो नहीं होगा। तो इसी तरीके से जो मेजरिंग करते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च को, क्वालिटेटिव रिसर्च को हम मेजरिंग कर लेते हैं कभी कभी रिसर्च के अंदर क्वांटिटेटिव मेथड से, तो इस तरीके से भी हमको क्या देखने को मिल सकते हैं, प्रॉब्लम देखने को मिल सकते हैं रिसर्च के अंदर। तो यही वो आपका प्रॉब्लम इन नर्सिंग रिसर्च के, कौन कौन सी प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है रिसर्च के अंदर। तो ये आपका जिस तरीके से लैक ऑफ इंटरेस्ट हुआ, लैक ऑफ एक्सपर्ट्स की कमी हुई, जिस तरीके से जो एक मतलब कि एक्सपीरियंस बंदे, लैक ऑफ एक्सपर्ट, लैक ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड टूल की वजह से, मिनिमल पॉसिबिलिटी ऑफ लेबोरेटरी रिसर्च की वजह से, एक डिफिकल्टी इन एक्सटर्नल वेरिएबल्स हैंडलिंग। हम क्यों होते हैं, क्यों डिफिकल्टी होती है, क्योंकि हम जो बाहर के अदर वेरिएबल्स होते हैं उसको भी हैंडलिंग करना पड़ता है, इसके कारण भी हमको दिक्कत हो सकती है रिसर्च के अंदर। एथिकल रेस्ट्रेंट के कारण हो सकते हैं, हैंडलिंग मल्टीपल वेरिएबल सेम यही है, मेजरिंग क्वालिटेटिव रिसर्च थ्रू क्वांटिटेटिव रिसर्च, तो इस कारण हमको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। अगर इन सब की कमी नहीं हुई हमारी रिसर्च के अंदर तो हमारी रिसर्च एक गुड रिसर्च होगी। अगर इनमें से कोई भी दिक्कत देखने को मिली तो वो प्रॉब्लम है, बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है नर्सिंग रिसर्च के अंदर। थैंक यू। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट्स वगैरह हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।